अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, टैबलेट मोंटिका की बात करते हैं। टैबलेट मोंटिका का फार्मूला है मोंटिलोकास्ट। मोंटिलोकास्ट को दमा की वजह से होने वाली आलामात को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गड़गड़ाहट और सांस लेने में दुश्वारी। इस दवा को वर्जिश से पहले या दौरान वर्जिश सांस की दुश्वारी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा इनहेलर के इस्तेमाल को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मोंटिलोकास्ट का इस्तेमाल बुखार और एलर्जिक नाक की सूजिश, जैसे कि छींक, नाक का बहना, नाक की खारिश की अलामत को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोंटिलोकास्ट फौरी तौर पर काम नहीं करता और इसे दमा के अचानक हमलों या सांस के मसाइल के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मोंटिलोकास्ट लिकोटिन्स को रोकने का काम करता है। लिकोटिन्स एक कुदरती मादा है जो इंसानी जिस्म में दमा और एलर्जी का सबब बनता है। मोंटिलोकास्ट एयरवेज में सोजिश को कम करके सांस लेने में आसानी पैदा करता है। इस दवा को रात के वक्त सोने से पहले खानी चाहिए और दिन में सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करनी चाहिए। आपका डॉक्टर आपकी तबाही हालत को देखते हुए 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम की डोज एडवाइज करेगा, जबकि बच्चों के लिए मोंटिलोकास्ट में साशे मौजूद हैं। नाजरीन, साइड इफेक्ट्स की बात करें तो मोंटिलोकास्ट के साइड इफेक्ट्स में इस दवा के इस्तेमाल से बाजू या टांगों में बेहिसी, झंझनाहट, दर्द, चक्कर आना, पट्ठों की कमजोरी वाकई हो सकती है। इस दवा को दौरान हमल शदीद किस्म की जरूरत पे इस्तेमाल किया जा सकता है, वगरना इसको इस्तेमाल करने से गुरेज करें और दौरान हमल इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लीजिए।